जो माय
जब मैंने पहली भेंट गाई ना, पहली भेंट खत्म करने के बाद जब मैंने आंखें खोली, आहा क्या नजारा था। 200 में से 100 साफ, कितने रह गए? 100। मैं कहा चलो 100 सुनने वाले तो 4 भी हूं, बहुत बहुत होते हैं। जब मैंने दूसरी भेंट गाई, दूसरी भेंट खत्म करने के बाद जब मैंने आंखें खोली, सारी की सारी संगत साफ, यहां तक कि घर वाले भी जाके अंदर सो गए। एक बुजुर्ग से माता जी बैठे हुए थे सामने, मैं कहा माता जी आपको मेरी बेटी अच्छी लग रही है? गाइजा गाइजा, एक दो तीन कम से कम 10 बेटी गा ली, भेंट खत्म करूं आंखें खोलूं देखूं माता जी सामने, मैं कहा माता जी आपको मेरी बेटी अच्छी लग रही है? माता जी वहीं खड़े हो गए, कहने लगे सोनू बेटा एक बात बताऊं। मैं कहा माँ का दरबार है, बिल्कुल सच बात बताना। कहने लगी मुझे तेरी एक भी भेंट नहीं अच्छी लगी। मैं कहा फिर माता जी आप भी क्यों बैठे हैं, आप भी चले जाओ। कह लगे सोनू बेटा मेरी तो ये मजबूरी है इसलिए बैठे हैं। मैं कहा माँ के दरबार में किस चीज़ की मजबूरी? कह लगे सोनू बेटा मेरी मजबूरी ये है कि जहाँ पे तू खड़ा होकर गा रहा है ना, वो जो नीचे गत्ता बिछा है वो मेरा है। मैं भी सोच रही हूँ तो तू गा के साइड में और मैं भी अपना गत्ता उठा। ऐसी बात नहीं, घर वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। कहिए जय माता दी, सच्चे दरबार की। आइए बाप सभी की हाजिरी, कहते हैं कि तू अपने दिल में ऐसी चाह, ऐसा प्यार पैदा कर कि वो खुद ब खुद आने के लिए मजबूर हो जाए। मगर माँ we'll be right back.
चरणों के पास तो सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। सोना जय माता की। भाई देखो भाई साहब, जिसका कोई नहीं होता ना, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान की मोबाइल। और जिसका मोबाइल होता है उसका कोई मतलब नहीं। जय माता सच्चे दरबार में होते तो सच्चे दरबार की ये 100 रुपए पैसे अगर दास खा के दिए थे नाम तो जिन्होंने 100 रुपए अरदास कराई है माँ के चरणों में, अरदासा लेके लाना हम सिंसेर है ना, और माँ के चरणों में माँ के बच्चे किस तरह से अरदास कराए जा रहे हैं। ओ वर्दी भरा दिए भरदाती बच्चे आए मेरे द्वार, तेरे पास आया हूँ चरणों में लेके अरदास आया हूँ। ये भजन बाद में होगा सुनाने। सभी मेरे श्याम बाबा के प्यारे झूमते हुए नाचते हुए हाजिर हो रही, तू की कृपा कर महाबा Yeah.
أنا بيلكون سوي